फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। जीएसटी में जो है काफी बड़ा अपडेट आया है, जो भी हियरिंग्स है उनको लेकर ये काफी बड़ा, जो भी नोटिस आए हुए हैं या फिर ऑर्डर पास हो रखे हैं उनके अगेंस्ट में अपील में जाना है उसके रिगार्डिंग ये काफी बड़ा लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लेटेस्ट रेगुलर है और आपको इसको ध्यान में रखते हुए आगे के जो भी आपके रिप्लाईज हैं या फिर जो भी आप अपील में आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसी तरीके से आपको ये चीजें जो है सबमिट करनी है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है लेटेस्ट 5 नवंबर को। और ये जो है हर टाइप की जो भी यहाँ पर एजुकेशन होंगी, ठीक है, उन सब के लिए अप्लीकेबल है। जीएसटी हो, कस्टम हो या फिर आपका सर्विस टैक्स हो, सबके लिए। गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ पर्सनल हियरिंग, जो पर्सनल हियरिंग है वो किस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये लेटेस्ट सर्कुलर आया है। अंडर सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट, सेंट्रल एक्साइज और चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट, ये सर्विस टैक्स की रिगार्डिंग बात कर रहा है यहाँ पर। काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड टुवर्ड बोर्ड इंस्ट्रक्शन, ये बोर्ड की इंस्ट्रक्शन डेटेड है 21 अगस्त 2020 ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था यहाँ पर, इस इंस्ट्रक्शन को ये यहाँ पर इन्होंने एक अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर अमेंड किया था। अब ये जो अमेंडमेंट है, पहले इस वाली अमेंडमेंट को हम रीड करेंगे, उसको विड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 21 अगस्त की जो इंस्ट्रक्शन थी उसको इन्होंने अमेंडमेंट किया था 28 जुलाई 2022 में। इन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो हियरिंग होगी, पर्सनल हियरिंग होगी, द कंडक्ट ऑफ पर्सनल हियरिंग बाय द एडजुकेटिंग, मतलब एडजुकेटिंग मतलब जो आपके प्रॉपर ऑफिसर है, किसी भी नोटिस के रिगार्डिंग पर्सनल हियरिंग की बात हो रही है या फिर अपीलेट अथॉरिटी, शैल बी डन, इन्होंने कहा था कि ये वर्चुअल मोड में होगी, ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ एसएससी। मतलब वैसे तो ये नॉर्मल तरीके से होंगी, लेकिन अगर एसएससी रिक्वेस्ट करता है वर्चुअल मोड में, तो वर्चुअल मोड में भी की जा सकती है। वर्चुअल मोड ऑफ हियरिंग शैल नॉट बी मैंडेटरी, तो इन्होंने इसमें ये कहा था कि वर्चुअल मोड मैंडेटरी नहीं होगा फॉर द एसएससी, नॉट ऑप्टिंग फॉर वर्चुअल मोड। जो एसएससी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं वर्चुअल मोड को, वो पर्सनल हियरिंग करेंगे फिजिकल मोड में, शैल बी टेकन इन फिजिकल मोड। अब इसको इन्होंने यहाँ विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करते हुए जब वर्चुअल मोड को मैंडेटरी बना दिया गया है, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन जो है जारी की गई है। जो इंस्ट्रक्शन थी ऊपर वाली, इसको यहाँ पर जो है री एग्जामिन किया गया है, इसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन रिसीव किए गए थे, इनको इन्होंने री एग्जामिन किया है। जो ये 28 जुलाई 2022 वाली थी, अब उसको विड्रॉ कर लिया गया है। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी इसको यहाँ पर विड्रॉ कर दिया गया है, यानी कि अब वर्चुअल जो मोड है किसी भी पर्सनल हियरिंग के लिए, वो किसी भी नोटिस के रिगार्डिंग हो, अपील के रिगार्डिंग हो, वो मैंडेटरी कर दी गई है। विद दिस चेंज द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन, जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन थी इसमें मैंडेटरी था, हैज बीन रीइंस्टेटेड, उसको यहाँ पर दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया गया है, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है क्वासी जुडिशियल या अपीलेट अथॉरिटी, टू कंडक्ट पर्सनल हियरिंग फॉर प्रोसीडिंग्स। जो भी पर्सनल हियरिंग होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, वो अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट, जो ऊपर स्पेसिफाइड एक्ट है, सारे के सारे सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, वो सारी की सारी जो भी हियरिंग्स होंगी वो केवल और केवल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में होगी। एक्सेप्शन टू अलाउ पर्सनल हियरिंग फिजिकल मोड बाय कंसर्न अथॉरिटीज, ये एक्सेप्शन भी है कि वो जो अथॉरिटी है वो फिजिकल मोड भी अलाउ कर सकते हैं, मे बी रिस्टोर टू ऑन रिसीट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। जब जो कंसर्न पार्टी है या जो एसएससी है वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस बेस पर यहाँ पर जो ये मोड है ये पर्सनल हियरिंग का यहाँ पर ये फिजिकल मोड में भी हो सकती है। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर द सेम इन राइटिंग, इसके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है, अथॉरिटी है, उनको रीजन जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे। दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी को कम्युनिकेट किया गया है, प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर्स, एडीजी, डीआरआई और जितने भी कमिश्नर्स हैं अपील्स, कस्टम्स के, जीजीएसटी के, सेंट्रल एक्साइज के। तो ये था लेटेस्ट अपडेट, इसको ध्यान में रखते हुए अब आप अपने जो भी सबमिशंस हैं उनको प्रॉपरली उसी तरीके से मैनेज करिएगा, सबमिट करिएगा। पर्सनल हियरिंग की रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको वीडियो मोड जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर आपको फिजिकल मोड में जाना है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सब चीज़ें वेरीफाई करते हुए तब जाकर इसको अलाउड करेंगे। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी अमेंडमेंट्स आते रहते हैं वो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशन है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए